शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम ढाका में भारत बनाम बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा वनडे मुकाबला खेला जा रहा है। आपको बता दें, सीरीज में 1-0 से पीछे होने के बाद टीम इंडिया ने दूसरे वनडे में जबरदस्त वापसी की। बताते चलें कि बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने आज टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ये फैसला उनके ऊपर पूरी तरह से भारी नजर आया, क्योंकि आज भारतीय गेंदबाजों के आगे बांग्लादेश के बल्लेबाज घुटने टेकते नजर आए। आपको बता दें, इस मुकाबले में उमरान मलिक जैसे स्पीडस्टर को जगह दी गई है। भारत के इस सुपरस्टार तेज गेंदबाज ने बांग्लादेश के बल्लेबाजों को आज अपनी गेंदबाजी के आगे पूरी तरह से घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए। आपको बता दें, आज उमरान मलिक ने अपने पहले 5 ओवर के स्पेल में 2 मेड इन कराते हुए मात्र 8 रन खर्चे, जिसमें उन्होंने 1 विकेट भी अपने नाम की। लेकिन उनकी गेंदबाजी में आज सबसे ज्यादा जो खतरनाक बात नजर आई वो रही उनकी गति, जिसकी वजह से आज बांग्लादेश के बल्लेबाज चारों खाने चित्त नजर आए। आपको बता दें कि आज उमरान मलिक अपने स्पेल का पहला ओवर कराने उतरे तो उसकी आखिरी गेंद पर उन्होंने शाकिब अल हसन की सर पर ही गेंद दे मारी। शाकिब अल हसन बाउंस के चक्कर में गेंद को डक करने के प्रयास में गए और गेंद सीधा उनके हेलमेट से जा टकराई। हालांकि इसके बाद शाकिब अल हसन थोड़ी दिक्कत में नजर आए, मगर थोड़ी देर के बाद मुकाबला फिर से शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद अपने अगले ओवर की पहली ही गेंद पर उमरान मलिक ने शंटो को आउट करते हुए टीम इंडिया को बड़ी विकेट दिला दी। आपको बता दें कि जिस गेंद पर उमरान मलिक ने शंटो का विकेट निकाला, वो गेंद 151 प्रति किलोमीटर घंटे की रफ्तार से डाली गई थी। लेकिन सबसे ज्यादा मजेदार बात ये रही कि जब उमरान मलिक ने इस गेंद पर विकेट निकाला तो ऑफ स्टंप काफी देर तक हवा में उड़ता रहा और काफी दूर जाकर गिरा। इतनी तेज गेंदबाजी भारतीय गेंदबाज द्वारा जब कराई जाती है तो काफी खुशी मिलती है। उमरान मलिक अब तक अपनी गेंदबाजी से वनडे क्रिकेट में भी सभी को प्रभावित कर चुके हैं। न्यूजीलैंड में भी उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की थी और अब बांग्लादेश में मौका मिलने के बाद उनकी गेंदबाजी का जलवा जारी है। कहना गलत नहीं होगा, आने वाले ODI विश्व कप में अगर जगह बनानी है तो उमरान मलिक को इसी तरह से गेंदबाजी करनी होगी। आपको बता दें, उमरान मलिक ने आज शंटो को अपनी दूसरे ओवर की पहली गेंद पर बोल्ड किया। इससे पहले आखिरी गेंद पर उन्होंने शाकिब अल हसन की सर पर गेंद मारकर ये बता दिया कि भारतीय गेंदबाजों से अब विपक्षी टीमों को डरने की जरूरत है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।